हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग लिए अंग्रेजी में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे हिंदी बोलते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं या 12th की तैयारी करते हैं या आप किसी भी कंपटीशन यानी इंग्लिश में किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बहुत महत्व होता है। इसलिए आज हम लोग इसका स्टडी करेंगे, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको सिर्फ याद ना करो, क्योंकि मैं जानता हूं विद्यार्थियों की ये जो मेमोरी कैपेसिटी होती है, आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे। तो हम ट्रिक जानेंगे कि ये बनता कैसे। तो आज का जो ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है साइड। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ग्रामर में जितना भी साइड पे वर्ड है आज मैं क्लियर करने वाला हूं, यानी कि हत्या संबंधित जितने क्वेश्चंस आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, आज यह क्लियर होने वाला है। बस अंत तक वीडियो जरूर देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप एक बेस्ट स्टूडेंट बन जाएंगे देख लेंगे तो, या आप बेस्ट टीचर बन जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। साइड साइड मींस होता है बाबू हत्या। तो पहले बता रहे हैं, इसमें जरूर याद रखिएगा, साइड पे आधारित देगा आंसर, यानी यह आपके ऑप्शन में रहेगा साइड, और जो क्वेश्चन पे आएगा वो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में लगा रहेगा किलिंग या मर्डर। यानी कि जिस क्वेश्चन में किलिंग या मर्डर लगा रहा है उसका आंसर साइड पे ही होता है। अब कैसे होगा देखते हैं और शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए यहां पर देखा जाए बाबू, अब आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा लैटिन वर्ड ग्रीक वर्ड, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज होता है लैटिन और ग्रीक। तो यहां पे शुरू करते हैं बाबू। FOETUS, इसका नाम है फोएटस। क्या है बाबू? फोएटस, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में भ्रूण। भ्रूण तो आप तो समझते हैं, जो बच्चा पलता है औरतों के पेट में, उसको हम लोग फोएटस बोलते हैं। क्या बोलते बाबू? फोएटस। अब ये लैटिन शब्द हुआ। अगर इसको सोचो कि हमारे एग्जाम में आंसर, पहले मैं आपको आंसर बताऊंगा उसके बाद क्वेश्चन, अगर यहां पे लिखा जाए फोएटी साइड, तो आप देश स्वरूप का मतलब क्या हुआ? तो साइड का मतलब तो यहां पे सर पहले ही दे चुके हैं, हत्या। अब फोएटस का मतलब होता है भ्रूण, यानी ऐसा बच्चा जो अभी गर्भ में है, अभी वो पैदा नहीं हुआ है, इसको हम बोलते हैं अनबर्न। क्या बोलते बाबू? अनबर्न चाइल्ड। तो अब इसका मतलब हुआ कि जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया उसकी आपने हत्या कर दिया, जिसको अंग्रेजी में लोग बोलते हैं एबॉर्शन। तो उसी को, ये तो आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन में जब दिया जाएगा तो क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा किलिंग, ध्यान देना, किलिंग ऑफ, या भाई साहब किलिंग दे सकता है या मर्डर, अगर दोनों में कुछ भी दे तो याद रखना क्वेश्चन साइड पे ही होगा। आंसर क्वेश्चन देगा किलिंग पे, मर्डर पे, और आंसर साइड पे होगा। तो शुरू करते हैं किलिंग ऑफ, क्या? किलिंग ऑफ अन बॉर्न चाइल्ड, किलिंग ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड इज कॉल्ड पोएटी साइड। क्लियर? जब भी साइड मिलेगा किसी भी आंसर में तो क्वेश्चन कैसा बनेगा आप ही बना सकते हो, किलिंग या मर्डर। मिल गया? मर्डर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड बना सकते हैं। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नोट करते चलिए, कॉपी निकालिए, कलम निकालिए और लिखते चलिए, मेरा वीडियो सिर्फ देखिए मत, नहीं तो बहुत सारे आते हैं क्लिक करते हैं देखते हैं हटाते हैं। बाबू आपसे रिक्वेस्ट है, देखो मत लिखते चलो। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ें बाबू। दूसरा पैट्री, अब इसको मिटा दे रहे बाबू,
ये जरूर याद रखिएगा कि जो हम ट्वीट पढ़ रहे हैं ये सब साइट पढ़ेंगे। किस पढ़ेंगे बाबू? साइट यानी इस पे चल रहा है, इसका मतलब होता है पत्तिया। तो ये तो हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या लगा रहेगा बाबू? मर्डर या पी। तो दूसरा अब हम लोग पढ़ रहे हैं पी ए टी आर वाई। ध्यान देंगे पैट्री संस्कृत है पित्री, इसी से बना है पैट्री यानी हिंदी बोलते हैं पिता और इंग्लिश में बोलते हैं फादर। तो आपको एक चीज सिखा दे रहे हैं इस पे आंसर होता है और इस फादर पे क्वेश्चन होता है जो आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं कि आप अपने से भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। इसीलिए हम पहले आपको आंसर तैयार करेंगे फिर क्वेश्चन बताएंगे कैसे। यहां देखा जाए पी ए टी आर आई सी आई डी, तो आप गेस करो बाबू कि इसका हिंदी क्या होना चाहिए। पैट्री मींस पिता और साइड मींस हत्या, तो किसकी हत्या? पिता की हत्या। तो क्या इस अब बताइए कि इसका क्वेश्चन हमें तैयार करना पड़ेगा या आप खुद तैयार कर सकते हैं? मुझे लगा कि आप बना सकते हैं। कैसे? लिखा है किलिंग या घबराना मत मर्डर भी लिख सकते हैं एम यू आर डी आर मर्डर या किलिंग ऑफ। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे डालता है वंस फादर, आप सपोज करो कि वंस नहीं लिखा उसने फादर लिखाओ तो भी कोई बात नहीं, आंसर यही होगा पैट्री साइड। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए बाबा पैट्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेम इसी प्रकार से जिसका नाम है मैट्री। तो अब तो मुझे लग रहा है कि आप क्वेश्चन बना सकते हैं मैट्री साइड। तो ये मैट्री शब्द कहां से आया बाबू? यहां से एम ए टी आर वाई। मैट्री माने माता, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? मदर। तो जब इसका मतलब मदर होता है तो अगर यहां पे हमने आंसर तैयार कर दिया तो चलो बेटा बताओ क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन जल्दी से देख क्वेश्चन क्या होगा, मुझे उम्मीद है आप बता सकते हैं। कैसे बनाएंगे? किलिंग या मर्डर ऑफ वंस मदर, दैट्स इट। फिर सुन लीजिए किलिंग सीख लो, सबका किलिंग ही शुरू करना है। किलिंग या मर्डर ऑफ वंस, क्या लिखेंगे बाबू? मर्डर। अब अगर हम सिर्फ आंसर तैयार करेंगे तो क्या आप क्वेश्चन बना सकते हैं? अगर मैं सिर्फ आंसर लिखा हूं और आपको क्वेश्चन बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में भेज देना है या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9934221278, तो फटाफट इसका क्वेश्चन बनाकर आप लोग मेरे इनबॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे डाल दीजिए। ओके, इसका मतलब माता की हत्या। बेटा इसको अब देखिए, माता के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछता है और बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है वो होता है एस ओ आर ओ आर वाई, सरोड़ी बनता है बहन, जिसे आपको पता होगा इसको बोलते हैं सिस्टर। अगर मैं यहां लिखता हूं सो रो री साई, तो किसकी हत्या हुआ बाबू? बहन की हत्या, बहन की हत्या। तो आप आंसर क्लियर कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे बताइए? जिसको लिखेंगे किलिंग या मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, कोई दिक्कत? वेरी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जिसका नाम है फ्रैटरी, VBI। फ्रैटरी मतलब होता है भाई, फ्रैटरी मींस भाई, फ्रैटरी मींस भाई। तो इसको हम लोग कैसे बनाए बाबा? एफ आर ए टी आर आई सी आई डी, फ्रैटरी साइड। हिंदी क्या हुआ? भाई की हत्या। तो आप आराम से इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सेम प्रोसीजर है, सेम मेथड है, किलिंग या मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट करें बाबू, ध्यान सुनेंगे बेटा इसको। बहुत बार पूछा है, बहुत बार, जिसके बाद है यू एक्स ओ आर वाई एक्सोरी, जिसको हम बोलते हैं पत्नी। अगर हम सोचो ऐसे लिखते हैं यू एक्स ओ आर आई सी आई डी,
किसकी हत्या? पत्नी की हत्या, जो आजकल डाउरी के लिए बहुत सारे केस सुनने को मिलते हैं। एक्सोरी एक्सोरी साइट आपने सुना होगा, डाउरी सिस्टम, ड्यू टू डाउरी सिस्टम अ वाइफ इज किल्ड, अ गर्ल इज किल्ड, वाइफ इज हैप्पी इन अवर कंट्री बिकॉज ऑफ डाउरी सिस्टम। सो आई लाइक टू अपील टू गवर्नमेंट, प्लीज प्लीज स्टॉप डाउरी सिस्टम इन अवर कंट्री। ओके, तो इसके बाद हम लोग पढ़ते बाबू पति। तो पति का होता है पैट्रिटी, जिसका मतलब होता है पति। अगर यहां लिखा जाए पैट्रिटी साइड, तो किसकी हत्या? पति की हत्या। तो आराम से आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चन तैयार करेंगे? किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड या मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड, एनी प्रॉब्लम? आई होप यू डोंट हैव प्रॉब्लम। इफ यू हैव प्रॉब्लम सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज 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 राइट योर डाउट इन माय इनबॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम लोग, इसके बाद हमें पढ़ना है बाबू थोड़ी के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रे आर ई जी आई आर, इसका मतलब होता है राजा, इसका मतलब होता है प्रधान, इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री। ओके, अगर ये क्वेश्चन में लिखा जाए रे जी साइड, ये तो आंसर हो गया। तो आप क्या क्वेश्चन बनाएंगे? और ये क्वेश्चन अभी अभी मैंने एयरफोर्स नेवी का जो बैच चला रहा था उसमें ये क्वेश्चन आया भी था, आर्मी करंट में पूछा है। ये बहुत सारे क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है बाबू जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? किलिंग ऑफ किंग या प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो ये बनता है हमारा रेजी साइन। नोट करना, लिखते चलो बाबू, छोड़ना नहीं है, लिखते चलो। ओके, नेक्स्ट रेजी साइड के बाद सबसे बीबीआई जो वर्ड है उसका नाम है बाबू होमी साइड। अब ये जो होमी साइड बना है ये किससे बना है? तो सबसे पहले आपको बता दें ये बना है हमारा होमो, बहुत लैटिन भाषा है होमो सेपियंस, मतलब था मानव, बहुत ही एंशियंट टाइम इस वर्ड का लोग प्रयोग करते थे होमो सेपियंस, मतलब था मानव। और मानव का आपको पता है अंग्रेजी का ह्यूमन बींग्स, तो इसका हिंदी हुआ मानव की हत्या। तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या लिखें बाबू? किलिंग ऑफ ह्यूमन, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसका आंसर होमिसाइड होता है। एनी प्रॉब्लम? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा से समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को फिर एक बार देखें, उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो मुझे कॉल जरूर करना। ओके, होमिसाइड के बाद आता है बाबू सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है जेनोसाइड, GENO, इस पे ध्यान देना है। जेनोसाइड ये होता है जनसंख्या, जनसंख्या की हत्या, यानी पूरे नरसंहार, आप बोल सकते हैं नरसंहार, जिसको मैसेकर भी बोलते हैं, मैसेकर भी सुनता है आपका पूरा नरसंहार, इसको मतलब होता है जेनोसाइड का मतलब भी सेम यही होता है। क्वेश्चन होगा किलिंग, ध्यान सुना बाबू, किलिंग जेनोसाइड का मतलब होता है बाबू किलिंग, किलिंग ऑफ रेस या कम्युनिटी। ध्यान देंगे किलिंग ऑफ रेस या कम्युनिटी, क्योंकि ये जेनो जो बना है वो किससे बना है बाबू? ये बना है जेनरेशन, पीढ़ी, एक पीढ़ी समाप्त कर देना, जनसंख्या ही समाप्त कर देना। ओके मिटाएं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है
साइट पे बहुत ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सा वीवीआई है, आपको एकदम कहीं नहीं जाना है यूपीएस सब। इसके बाद पढ़ना है हम लोग बाबू जिसका नाम है जेनोसाइड, के बाद हम लोग पढ़ेंगे सुसाइड। बहुत बार पूछा है एस यू आई, सु मींस होता है वो स्वयं खुद। अगर मैं लिखता हूं सुसाइड तो किसकी हत्या? खुद की हत्या, जिसे अंग्रेजी बोलते हैं आत्म हत्या। क्वेश्चन कैसे आएगा? किलिंग ऑफ वन सेल्फ, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, इसका मतलब होता है आत्महत्या, सुसाइड से बोलते हैं। ओके अब देखते हैं नीचे बाबू नेक्स्ट मिटा इसको, बीवी आई है। एक आया था बाबू आपको बता दे रहे हैं एच ई आर बी, हर्ब का मतलब होता है साग सब्जी या घास या पेड़ पौधा, सब होता है। अब इस पे एक आर्मी क्लर्क में 2014 या 15 मुझे याद नहीं आ रहा है, 14 या 13 में पूछा था हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का मतलब होता है कि जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि खरपतवार पूरा नाश कर देना, इसको साग सब्जी को या घास को, उसको जिसे हम लोग बोलते हैं खरपतवार। खरपतवार अंग्रेजी में होता है किलिंग या डिस्ट्रॉइंग, किलिंग या डिस्ट्रॉइंग दोनों का मतलब बर्बाद करना नाश कराना। और इसको ग्रास या वेजिटेबल्स या प्लांट्स, याद रखना ग्रास प्लांट्स, इस सब का आंसर, ये आंसर है और ये क्वेश्चन है। बस देखिए बाप वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। देखिए बगल में बेल आइकन दिया हुआ, वहां पे बेल आइकन दबाना ना भूले। ओके नेक्स्ट देखते बाबू मिटा इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन होता है बाबू वीवीआई साइड पे, एक हम लोग पढ़ेगा जर्मी साइड, जे ई आर एम आई जर्मी साइड। ये होता है हमारे बहु कीटाणुओं की हत्या, ये जर्म, जे ई आर जर्म से होता है कीटाणु। तो कीटाणुओं की हत्या इसको बैक्टीरिया बोलते हैं, क्या बोलते बाबू? बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? कीटाणुओं की हत्या, कीटाणुओं, ध्यान समझना, कीटाणुओं की हत्या। क्वेश्चन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया जर्मिसाइड, एनी प्रॉब्लम? इसके बाद हम लिखते हैं बाबू जर्मिसाइड के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कीटाणुओं की हत्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते चलिए, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप कंपटीशन पास करना चाहते हैं तो अगर आप पैसा लगाकर मोबाइल करते हैं तो उसका सदुपयोग कीजिए, एडवांटेज उठाइए। नहीं तो ऐसे तो लोग व्हाट्सएप, अब फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम चलाकर अपना एमबी तो बर्बाद कर ही रहे, लेकिन आप उसको यूज करो, सही जगह लगाओ, मुझे उम्मीद है कि आप नौकरी ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे बाबू एपी साइड, ए पी साइड। एपी साइड का मतलब होता है बाबू मधुमक्खी की हत्या, किसकी हत्या बाबू? मधुमक्खी, मधुमक्खी की हत्या। तो आपको पता है कि बी मींस क्या होता है? मधुमक्खी होता है, मक्खी होता है, आराम से आप लिख सकते हैं किलिंग ऑफ बीज। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं मुझे, आप नोट करो, लिखो किलिंग ऑफ बीज, किलिंग ऑफ बीज। ओके नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग करना है एपिसाइड के बाद कैनिसाइड, सॉरी इसके बाद करना है ये बाबू ये पूछा है, अभी अभी फिल्म आया था आपने सुना होगा रोबोट 2.0, जिसमें अक्षय कुमार किसके लिए लड़ रहा है, वहां पे पक्षियों की हत्या हो रही है, किससे? ये जो टावर बैटरी मोबाइल के उसके वायरस, सॉरी उसका जो रेडियम होता है, उसके जो टावर में जो होता है टेक्नोलॉजी वाला, उससे पक्षियों की मौत हो रही है,
जिसको बोलते हैं एविसाइड, पक्षी की हत्या। किसकी हत्या बाबू? पक्षी की हत्या। और आप नोट कीजिए, लिखिए किलिंग ऑफ बर्ड्स या मर्डर ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एविसाइड। लिख सकते हैं किलिंग ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट करें बाबू कैनिसाइड। साइड पे सारा क्वेश्चन आज क्लियर। कैनिसाइड इसको बोलते हैं कुत्ते की हत्या। किसकी हत्या बाबू? कुत्ते की हत्या। आप लिख सकते हैं क्या? किलिंग ऑफ डॉग्स या मर्डर ऑफ डॉग्स। ये सारा क्वेश्चन है, आप बहुत जगह पढ़ते होंगे जहां पे पहले आपको लोग क्वेश्चन लिखवाते हैं उसके बाद आंसर रट्टा मरवाते हैं, याद करवाते हैं। यहाँ पे पहले आंसर पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके तो कैनिसाइड हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ना है बाबू फेलिसाइड। फेलिसाइड जो होता है बाबू बिल्ली की हत्या। बिल्ली की हत्या द किलिंग ऑफ कैट्स। किलिंग ऑफ कैट्स। इसके बाद होगा एच ई आर हर्पेटिसाइड। हर्पेटिसाइड सर्प की हत्या यानी सांप की हत्या। तो किलिंग ऑफ स्नैक्स। किलिंग ऑफ स्नैक्स। किलिंग ऑफ स्नैक्स। यहां पर है किलिंग ऑफ कैट्स, किलिंग ऑफ डॉग्स, किलिंग ऑफ बर्ड्स। ओके नेक्स्ट देखिए बाबू अब क्या पढ़ेंगे हम लोग। अब तो कोई नहीं बच रहा है, फिर भी एक देख लीजिए लास्ट। अब जो क्वेश्चन लास्ट हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टी INSECTICIDE इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का मतलब बहुत कीट पतंग। कीट पतंग की हत्या। तो इसमें सेम ऐसे ही देता है कि किलिंग ऑफ इंसेक्ट। किलिंग ऑफ इंसेक्ट। अगर आपको यह रूल या मेरा ट्रिक, ये मेरा आपका रूट बताने का तरीका सही लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके आसपास में आपके जान पहचान में जितने बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं या 12th में, उन्हें इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोल दें। क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस या इडियम्स बेस वो सब एक ट्रिक में होगा, वो आपको रट्टा मारने वाला याद करवाने वाली कोई ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ ट्रिक होगा। ओके तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड दैट्स ऑल।